आज की ये वीडियो राइटरों के लिए है, कलम चलाने वालों के लिए है, लेखकों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए पुराने राइटर हैं जो अक्सर मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछते हैं कि रामा जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री में तमाम कामों के बारे में वीडियो बनाया है जहां पर लोग ये काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन राइटरों के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं बताया है जहाँ पर एक राइटर अपनी कहानी को ले जाकर डायरेक्टर को दे सके या कि कहीं पे जाकर बेच सके, जहाँ पर एक राइटर अपनी कहानी को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सके। तो बस आज आपको एक मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ पर आप अपने लिखे हुए कहानी, अपनी लिखी हुई स्टोरी को देकर रोजाना अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और 100% गारंटी देता हूँ, बिल्कुल जो है ना ये क्लियर है, इसमें कहीं भी आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। आप फ्री में वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं और अपनी कहानी को देकर पहले दिन से ही पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा हूं और वहीं से फिल्म इंडस्ट्री की जो बारीक बारीक जानकारी है काम को लेकर, कि कैसे स्पॉट बॉय का काम, कार्ड कैसे मिलेगा, ऑडिशन कैसे देंगे, आर्टिस्ट कैसे बनते हैं, इन सब पे तमाम वीडियो मैं जो है बना बना कर लाते रहता हूं। अगर आपको और भी जानकारी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए अपने मोबाइल पर, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो मेरे इस चैनल पर बहुत सारे राइटर हैं जो मेरी वीडियो को देखते रहते हैं और हमेशा ये मन में सोचते रहते हैं कि भैया फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है वो रातों रात वायरल हो जाते हैं। जैसे कि कोई रास्ते पे गाना गा रहा है बहुत ही अच्छी आवाज़ में, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है और वो सेलिब्रिटी बन जाता है ना। और होता क्या है कि कभी कभी किसी शादी ब्याह में कोई एक अच्छा डांसर डांस करते रहता है, उसकी वीडियो इंटरनेट पर आ जाती है, वो वायरल हो जाता है और वो फिर क्या बॉलीवुड में शॉर्टकट एंट्री हो जाती है, यानी वो जो है रियलिटी शो में चला जाता है। लेकिन राइटरों के लिए कुछ इस तरह का कोई तरीका नहीं है, राइटर कभी वायरल हो ही नहीं पाते, वो कहानी वो रखी रह जाती है, वो बेचारे अपने राज्य से मुंबई आ नहीं पाते, सेल कर नहीं पाते। तो चलिए आज आपको मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म को बताने वाला हूँ जहाँ पर आप अपने घर बैठे बैठे अपनी कहानी को डाल सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये कहानी अगर अच्छी लगी उनको तो कोई अच्छा डायरेक्टर जो है इस कहानी को लेगा तो भी आपको पैसे देगा, और इस कहानी को कोई सुनेगा भी तो भी आपको पैसे मिलेंगे। अब इसकी क्या गारंटी है, आप ये सोच रहे होंगे भाई क्या गारंटी है, ऐसा कौन सा आदमी, इस पे हम विश्वास कैसे करें, तो आपको बता देता हूँ इसकी गारंटी ले रहे हैं मनोज मुत्सर। आप नहीं जानते तो भाई आपको बता दूं यार, आप तो राइटर हो यार, वो भी एक बहुत बड़े राइटर है, बॉलीवुड के बहुत ही माने जाने राइटर हैं जिन्होंने केसर फिल्म का गाना लिखा था, तेरी मिट्टी में मिल जाओ, मनोज जी को जो आप जानते ही होंगे यार, जानते ना। तो वो उन्होंने अपने पोर्टल पे इसकी जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि भैया ये भारत में पहली बार जो है राइटरों के लिए ये जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि वो खुद भी एक राइटर है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो हैं, जो राइटर हैं, जो आप अभी थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, आप इतने फेमस नहीं हैं, तो आप जैसे नए लोगों के लिए जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा, जो जिनका दिमाग चलता है गाने लिखने में या फिर नॉवल लिखने में या फिर कहानी लिखने में, तो आप जैसे लोगों के लिए जो है इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लाया है और वो उन्होंने बताया है। और इसकी शुरुआत कैसी हुई है, आप लोग जानते हैं कि पॉकेट FM के बारे में तो जानते हैं, जहाँ पर आप लोग दूसरों की संरचना सुन सकते हैं, तो ये जो पॉकेट FM है इसी का प्रोग्राम है पॉकेट राइटर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, पॉकेट राइटर इस एक प्रोग्राम चल रहा है और इसी के तहत पे आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है www.writer.pocketnovel.com पर। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने बताया आखिरकार मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे आपको जाना है और जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर्ड करना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसे रजिस्टर करना है और उसके बाद ये पूरा पेज खुल जाएगा और यहाँ पे बस आपके जो शब्द हैं वहाँ पे आपको टाइप करने होंगे। हालांकि आपने अपनी किताब में या आपके अपने बुक में लिख रखा होगा,
तो आपको यहाँ पे, अब डिजिटल जमाना आ गया तो आपको यहाँ पर आपको जो है लिखना पड़ेगा। अब इसमें कैसे आपको पैसे मिलेंगे, तो भाई इसकी पूरी जानकारी तो आप मनोज जी का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा, या तो फिर इसके अंदर जितनी सारी चीजें हैं आपको पता चल जाएंगी। जैसे जैसे आप इसमें शब्द अपनी कहानी के जो है शब्द डालते जाएंगे, कहानी चलते जाएगी, तो बस writer.pocketnovel.com पे जाना है और अपने मोबाइल से रजिस्टर करना है और इसमें अपनी कहानी को लिखने की शुरुआत कर देनी है। आप जैसे जैसे इसमें जो है 30,000 शब्द से ज़्यादा शब्द भर देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपको जो है रिवॉर्ड के तौर पर जो है 3,000 की पहली जो है ना रकम मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे आपका इसमें शब्दों का जाल आप बढ़ाते जाएंगे तो आपके पेमेंट भी बढ़ते जाएंगे, नॉवल पूरा होने तक आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। अब इस नॉवल को यानी इस कहानी को, इसके जो है साउंड वगैरह जो है इसमें अगर अच्छे से किसी ने पॉकेट एफएम ने ले लेते हैं तो वहाँ पर जो लोग सुनेंगे, जो इस सुनने से जो भी इसका पेमेंट आएगा वो भी आपको साझा किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर दे दी जाएगी कि किस तरह से आपको इसमें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और पहले दिन से ही आप इसमें अपने पैसे को कमा सकते हैं। तो अच्छी हुई ना बात भाई राइटरो। अब आप लोग जो है इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करता हूं मैं, आप इस वीडियो को देखना बंद करिए और जाइए जल्दी से इस वेबसाइट पे विजिट करिए। और जो हाँ, मनोज मुत्तीसर जी का जो पूरा इस पे जो ज्ञान है वो आप देख सकते हैं कि मेरी जो बातें हैं कितनी सच्चाई है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे दो लिंक है, एक मनोज मुत्तीसर जी का जहाँ पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है और एक जो है इसकी वेबसाइट के लिंक का, ठीक है ना। तो आप जाकर वहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो राइटरों एक लाइक तो जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की और भी जानकारी वाली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।